नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पुराने बेकार शर्ट से बहुत ही प्यारा सा बैग बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शर्ट के बटन खोल लेंगे। अब देखिए, सिलाई का मार्जिन छोड़ के हम काज पट्टी को कट कर लेंगे, बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे इसे। अब यहां से कट करके इसे अलग कर लेंगे। ये देखिए, इसे अलग रख लेंगे। इसी तरह से बटन पट्टी को भी अलग कर लेंगे। अब देखिए, जहां से आस्तीन है यहां बगल से सीधा निशान लगा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। कट करके इस वाले हिस्से को अलग कर लेंगे, इसे अलग रख लेंगे। इसी तरह इस वाले हिस्से को भी अलग कर लेंगे, पहले सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इन दोनों पीसेस को इस तरह बराबर कर लेंगे। अब यहां से इस तरह रखेंगे इंची टेप को, 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसे कट कर लेंगे, इसे अलग रख देंगे। अब देखिए, यहां से तो सीधी कटिंग है, यहां से भी इसे सीधा कर लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब देखिए, फिर से शर्ट लेंगे। ये शर्ट की बैक साइड है, ये वाला पीस रखेंगे। इसी साइज का एक पीस इसमें से कट कर लेंगे। विड्थ है इसकी 16.5 इंच और लेंथ इसकी 13 इंच। अब एक राइस बैग लेंगे। राइस बैग का आधा पीस मैं किसी और डीआईवाई में यूज कर चुकी हूँ, आधा पीस मेरे पास है। इसमें से सेम साइज के दो पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए, अब एक पीस लेंगे, एक पीस लेंगे, इस तरह रखेंगे। अब इनके सेंटर में सिलाइयां लगा लेंगे। ये देखिए, अब देखिए, यहां से हम अंदर की तरफ 5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहां से भी। अभी नहीं लग रख देंगे। अब देखिए, फिर से शर्ट लेंगे। पहले यहां से आस्तीन अलग कर लेते हैं। अब देखिए, यहां से हम ऊपर की तरफ 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब यहां से भी बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। अब सेंटर से भी कट कर लेंगे। लेंथ इसकी 17.5 इंच, विड्थ इसकी 4 इंच। एक पट्टी लेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और फिर सेंटर से फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से भी तैयार कर लेंगे। देखिए, दोनों हैंडल हमने तैयार कर लिए हैं। अब एक पीस लेंगे, ये उल्टी साइड बैक की एक हैंडल लेंगे, इस निशान पर रखेंगे, उसका दूसरा सिरा इस निशान पर रखेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, दोनों पट्टियां लेंगे जो हमने बटन पट्टी और काज पट्टी शर्ट में से कटिंग की थी। बटन पट्टी लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे। फिर काज पट्टी लेंगे, इसकी भी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब देखिए, इसे इस तरह से पलटेंगे सीधी तरफ।
हैंडल को ऊपर की तरफ करेंगे। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, फिर एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी पलटेंगे, एक सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां से यहां तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। ये देखिए अब एक पीस अलग रख देंगे। अब देखिए यहां से नापना शुरू करेंगे। ग्यारह 40 इंच अब इसे अलग रख देंगे। अब देखिए दोनों आस्तीन लेंगे। अब देखिए यहां तक सीधा कट कर लेंगे। अब देखिए यहां से इस तरह रखेंगे, 5 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे में, इसे इस तरह सीधा मिला लेंगे। यहां से भी सीधा निशान लगा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। सेंटर से भी कट करके अलग कर लेंगे। अब दूसरी आस्तीन लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे। सेम इसी साइज के 2 पीस इसमें से कट कर लेंगे। अब देखिए इन सभी पीसेस को जोड़ के एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेंगे। देखिए पीसेस हमने जोड़ दिए हैं। लेंथ है इसकी 40 इंच। एक्स्ट्रा पट्टी आ रही थी उसे हमने कट कर लिया है और विड्थ है इसकी 5 इंच। अब इसी साइज का राइस बैग में से हमने एक पीस कट कर लिया है, इसे इस तरह रखेंगे। इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। अब कपड़े के सेम साइज की 2 पट्टियां मैंने और कट की है। विड्थ है इसकी 5 इंच, लेंथ है इसकी 2 इंच। एक पट्टी लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी पट्टी को इस तरह रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यहां से फोल्ड करेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक किनारे किनारे पर लगा लेंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। देखिए दोनों तरफ से हमने रफ एजेस कवर कर लिए हैं। अब इसे अलग रखेंगे। इन दोनों पीसेस को लेंगे, एक वेलक्रो का पीस लेंगे, एक पीस हैंडल के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और दूसरा पीस भी इन दोनों हैंडल के सेंटर में रखेंगे। अब इसकी चार तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी ये देखिए अब एक पीस अलग रख देंगे। देखिए इस वाले पीस को लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहां से सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह घुमाते हुए यहां तक, यहां तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। ये देखिए अब दूसरा वाला पीस लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहां से सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह घुमाते हुए यहां से यहां तक सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। ये देखिए अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा काफी बड़े साइज का बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब इसका साइज बता देती हूँ आपको। विड्थ इसकी 15.5 इंच, लेंथ है इसकी 12 इंच और बेस है इसका 5 इंच।